कॉलेज के एग्जाम नजदीक आ चुके थे। वो बच्चे भी जो कॉलेज की क्लास के दौरान पढ़ाई नहीं करते, अब एग्जाम के लिए लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रहे थे। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। सब बच्चे लोग पूरे सेमेस्टर सोते रहते हैं, एग्जाम के समय पढ़ाई की हाय तोबा रहती है। ईश्वर सबकी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे, कहीं ऐसा ना हो जैसा आज से 5 साल पहले हुआ था। सोचते सोचते लाइब्रेरियन बच्चों को उनकी जरूरत की किताबें देते जा रहे थे। शाम होते होते लाइब्रेरी खाली होने लगी थी, केवल कुछ एक बच्चे ही वहां पर मौजूद थे। ए बच्चा लोग, अब लाइब्रेरी बंद करना है, चलो कल आना। थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, नहीं तो कल दोबारा यही बुक फिर से इशू करानी पड़ेगी। देखो बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमको भी घर जाना है भाई। निकलो सब यहाँ से, सब निकलो यहाँ से, वैसे भी देर रात तक यहाँ पर रुकना मना है। कहते हुए वो गौर से लाइब्रेरी की दीवारों को देखने लगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो एक एक कर सभी बच्चों को लाइब्रेरी से निकालने और धीरे धीरे सारी लाइट्स बंद कर रहा था, मगर लाइब्रेरियन को चकमा देकर प्रांजल वहीं लाइब्रेरी में रुक गया। आज रात हर हाल में लाइब्रेरी में ही रुककर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही होगा, वरना कल सुबह प्रोफेसर वाइवा में नंबर काट लेंगे। लाइब्रेरियन सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाकर लाइब्रेरी का ताला लगा देता है। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। तेज बारिश और बादलों के कारण ऐसा अंधेरा हो गया था कि मानिए रात के 9 से 10 बज रहे। लाइब्रेरी में प्रांजल के सिवा अब कोई भी नहीं था। वो बिना रुके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। एक जैसा लिखते लिखते उसे थकान होने लगी थी। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो खड़े होकर कुछ चहलकदमी करने लगा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। सुनसान रात में बिजली की गड़गड़ाहट उसके मन में भय पैदा करती थी। तभी एक झटके से खिड़की खुल गई और बारिश का पानी लाइब्रेरी में आने लगा। किताब खराब ना हो जाए इस डर से उसने तुरंत खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसे खिड़की पर एक सांप नजर आया। वो एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर उसने जब गौर से देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो खिड़की बंद कर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद अचानक उसे किसी किताब की जरूरत पड़ी, तो उस बुक को उठाने के लिए वो जैसे ही अपनी चेयर पर से उठा, उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे से कोई निकला हो। उसने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो कुछ देर तक किताब ढूंढता रहा। जैसे ही उसे वो किताब मिली और उसने तब किताब को निकाला, वहां शेल्फ में रखी हुई किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगी। उसने जैसे तैसे वो सारी किताबें उठाकर वापस शेल्फ पर लगाई तो लाइब्रेरी की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और उसका लैपटॉप अचानक से चालू हो गया। उस पर तेज हॉरर म्यूजिक प्ले होने लगा। वो उस वक्त लाइब्रेरी में अकेला ही था और उसके साथ ही सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग पर डर हावी होने लगा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि हो सकता है ये उसका भ्रम हो, मगर अचानक ही उसे सामने वाले दीवार की सीलिंग पर कोई रेंग कर चलता हुआ नजर आया, जो तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाकर गायब हो गया। उसे लगने लगा शायद थकान की वजह से उसे इमेजिनेशन हो रहा है। उसने तुरंत खुद को संभाला और चेयर पर बैठे बैठे वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। थकान के कारण जो आंखों में नींद थी वो गायब हो चुकी थी। तभी बिजली जोर से कड़कती और उसे अपने सामने एक काला साया नजर आने लगा। वो उसे देखकर चीखता, उसके पहले ही वो काला साया धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। उसके बाद कुछ ही पल में जो सुनसान वीरान लाइब्रेरी पड़ी थी छात्रों की चहल पहल से रोशन हो गई। उसके आसपास ढेर सारे बच्चे थे
जो अलग अलग बुक्स लेकर पढ़ाई कर रहे थे, मगर उन सब की नजर आते ही लाइब्रेरी का तापमान बहुत कम हो गया था। वो ठंड से कांपने लगा। वो अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पर गर्माहट का एहसास कर ही रहा था कि तभी उसे लगने लगा कि उसके आसपास बहुत तेज गर्मी हो गई। तब उसका पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने सारे लोग अचानक यहां पर कैसे आ गए। वह सब अपने में ही बातें करने में मशरूफ थे। प्रांजल मानो उनके लिए वहां पर मौजूद ही नहीं था। तभी एक दो लोग प्रांजल के आर पार ही निकल गए। अब उसका डर के कारण पूरा हाल हो चुका था। वो डर कर छुपने की कोशिश करने लगा, मगर शायद उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि उन लोगों के अलावा वहां पर कोई और भी मौजूद है। लाइब्रेरी में उस वक्त प्रांजल के अलावा जो कोई भी मौजूद था धीरे धीरे प्रांजल की ओर बढ़ने लगा। प्रांजल को अब लग रहा था कि यहां से उसका बचना नामुमकिन है। उसने लाइब्रेरी के बारे में जो कुछ भी सुना था सब कुछ सच ही था। यहां से उसका बचना नामुमकिन है। यहां पर कई सारी पटकती हुई आत्माएं हैं, मगर एक बार उसने खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करने के बारे में सोचा और किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने के लिए अपनी पैंट की पॉकेट में ढूंढने लगा, मगर वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे याद आया कि फोन तो उसने लैपटॉप के पास रखा था। वहां उन सब से नजरें बचाकर लैपटॉप की ओर वो भागा। तभी उसे अपना फोन नजर आ गया। उसने फोन को हाथ में लिया और लाइब्रेरियन का नंबर डायल किया ताकि वो आकर तुरंत लाइब्रेरी खोल दे और वो बच जाए। मगर जैसे ही उसके फोन पर बेल जाने लगी, दूसरी तरफ से फोन में किसी और के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। प्रांजल को लगा शायद उसने गलत नंबर डायल कर दिया है, इसीलिए वो तुरंत फोन चेक करने लगा तो वो नंबर लाइब्रेरियन का ही था। तभी उसके फोन में से किसी और के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। डर के कारण उसे अपना फोन फेंकना पड़ा। उसे अब बहुत घुटन महसूस होने लगी। उसे इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। सिर में इतना भारीपन था कि मानो कई सारे हथौड़े एक साथ उसके सिर पर चल रहे हो। वो सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। तभी तक जो अच्छे खासे इंसान नजर आ रहे थे अचानक सड़ी गली लाशों में बदल गए। उन सबके हाथ पैरों पर जलने के निशान थे। शरीर पर कई जगह छाले हो गए थे। घावों में से पानी बह रहा था। वह सब अपने पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे प्रांजल की ओर बढ़ने लगे। प्रांजल डर के कारण थर-थर कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो देख रहा है क्या वो सच है या सपना। अचानक उसने कुछ सोचा और भागते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे के पास जा पहुंचा। वो जोर जोर से दरवाजा ठोकते हुए मदद की गुहार कर रहा था, मगर बाहर हो रही तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के कारण कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। सारी लाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अब वो लाशें जलने लगी। कौन हो तुम लोग? जाने दो मुझे। हम लोग इसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। उन दिनों कॉलेज में रैगिंग अलाउ नहीं थी, मगर फिर भी सीनियर अपने जूनियर को कई तरह से परेशान करते। ऐसे ही हमारे एक सीनियर ने हमारी रैगिंग लेने के लिए हमें इस लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। उस रात को तेज बारिश होने की वजह से ऐसे ही जोरों की बिजली कड़क रही थी और आंधी तूफान आया हुआ था। हमारी आवाज इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा पा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा सुबह तक यहीं रुक जाते हैं, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शॉर्ट सर्किट होने के कारण किताबों में लगी आग पूरी लाइब्रेरी में फैल चुकी थी और हम लोग उसी आग में जल रहे थे। हमारी चीखने चिल्लाने की आवाज इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा रही थी। जलने और दम घुटने के कारण हम लोग यहीं पर कैद होकर रह गए। अब तुम भी हमारे साथ ही यहीं पर रहोगे, ये कहते हुए वो जलती हुई लाशें प्रांजल के पास आ गई और प्रांजल भी उन्हीं के साथ जलकर खत्म हो गया।
पूरी लाइब्रेरी भी चल रही थी। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन वहां पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। सामने प्रांजल की जली हुई लाश थी, मगर और कोई भी जलने का नामो निशान नहीं था। लाइब्रेरियन समझ गया कि ये सब कुछ उन्हीं स्टूडेंट्स की भटकती आत्मा का काम है। प्रांजल की मौत के बाद अब कोई भी उस लाइब्रेरी में शाम के बाद कभी नहीं रुकता। कहीं आपको भी तो लास्ट टाइम नोट्स नहीं बनाने हैं।